हेलो दोस्तों, ईडीरी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईडीरी आपको बताएगा कि किस तरह गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ी और अन्य दूध देने वाले पशु चारा खाकर उसे दूध में कैसे बदलते हैं और किस प्रकार उनका दूध तैयार होकर थनों के माध्यम से बाहर निकलता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि पशु में दूध अपने नए जन्मे बच्चे के लिए होता है। वो तो मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुओं का पालन शुरू किया और उनके दूध को उपयोग करने लगा। दोस्तों, दूध ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। दूध में लगभग 85% तक पानी पाया जाता है। इस प्रकार दूध डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से भी हमें बचाता है। तो दोस्तों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ी और अन्य जानवर जब भोजन करते हैं, जैसे चारा खाना, पानी पीना या अन्य कंसंट्रेटेड फीड एंड फोडर खाना, तो ये उनके पेट में जाकर डाइजेस्ट होते हैं। दोस्तों, इनके चारे में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स व पानी की मात्रा अधिक होती है। जब ये डाइजेस्ट यानी पचते हैं, तो वे छोटे छोटे सरल पदार्थों यानी सिंपल फीड में टूट जाते हैं और पशुओं को ऊर्जा देते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज या स्टार्च टूटकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज बन जाता है और प्रोटीन्स टूटकर अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, जबकि फैट टूटकर वोलाटाइल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते हैं, और विटामिन मिनरल्स पशुओं के शरीर की मेंटेनेंस करने का फंक्शन करते हैं। दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, वोलाटाइल फैटी एसिड इत्यादि पशुओं के शरीर में खून के माध्यम से पशुओं के दिल व लीवर से होते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा, शरीर की मरम्मत, शरीर की वृद्धि, दूध बनाने, मादा पशुओं को प्रेगनेंसी के दौरान ऊर्जा देने के लिए लीवर में स्टोर हो जाते हैं। दोस्तों, इन सारे फंक्शंस में पशुओं के लीवर का अहम योगदान होता है। दोस्तों, हमें इनमें से दूध बनाने यानी मिल्क प्रोडक्शन वाले फंक्शन को डिटेल में जानना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि खून का मुख्य काम केवल इन न्यूट्रिएंट्स को लीवर से पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। दिल का काम खून को पंप करके खून को गति देने का होता है, ताकि खून से जल्दी सारे न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंच जाएं। दोस्तों, इन न्यूट्रिएंट्स का कुछ परसेंटेज ही दूध बनाने में काम आता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स पशुओं के जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं। जब खून इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर दिल के माध्यम से पशुओं के अडर तक पहुंचता है, तब वहाँ खून कैपिलरीज में फैल जाता है। उसके बाद वहाँ मौजूद एल्विओली खून में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है और खून वापस हर्ट में चला जाता है। इस प्रकार खून न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है और अडर यानी लेवटी में मौजूद एल्विओली खून से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक स्वस्थ पशु गाय या भैंस के अडर में लगभग 90,000 लीटर न्यूट्रिएंट रिच खून प्रतिदिन फ्लो करता है, और 1 लीटर दूध उत्पादन करने के लिए 800 से 900 लीटर खून का फ्लो करना जरूरी होता है, और ये खून न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एल्विओली के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू में मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये संख्या में 2 बिलियन तक होती हैं। ये कोशिकाएं न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज और गैलेक्टोज लेकर लैक्टोज का निर्माण करती हैं, और अमीनो एसिड से मिल्क प्रोटीन और एसिटेट वोलाटाइल फैटी एसिड से मिल्क फैट, और साथ ही मिल्क विटामिन और मिनरल्स भी तैयार होते हैं। इस प्रकार दूध की फैट और SNF तैयार होती है। फैट और SNF यानी मिल्क सॉलिड्स तैयार होते हैं, पर उन्हें सोल्यूशन या इमल्सन का रूप देने के लिए मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स इन्हें यूनिवर्सल सोलवेंट यानी पानी से जोड़ती हैं। इसी प्रकार ऑयल इन वाटर इमल्सन यानी दूध तैयार होता है। दोस्तों, जो ये प्रोसेस बताई गई है, यह इतनी भी साधारण नहीं होती। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कई कोशिकाएं, कई बोन्स, कई अट्रैक्शंस काम करते हैं। इसके साथ ही इसमें कई हॉर्मोन्स का भी योगदान होता है, जैसे मेमोजेनेसिस हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स पशु के लेवटी का निर्माण करते हैं। दूसरे लैक्टोजेनेसिस हॉर्मोन्स, ये दूध बनाने का काम करते हैं। तीसरा गैलेक्टोपोसिस हार्मोन, यह दूध उत्पादन का काम करता है। ये प्रोसेस बच्चे के जन्म से पहले ही
माँ में शुरू हो जाती है ताकि बच्चे के जन्म होते ही माँ उसे अपना दूध पिला सके। दोस्तों अभी तक अडर या कह सकते हैं एल्विलोई में दूध का निर्माण ही हुआ है, ये थनों के माध्यम से अभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मिल्क सिक्रेशन यानी एल्विलोई या अडर में बने दूध को शरीर से बाहर कैसे लाएं। दोस्तों मिल्क सिक्रेशन यानी दूध बाहर निकालने में भी कई हॉर्मोन्स का योगदान होता है, जिसमें मेन है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स। दोस्तों जब पशु का बच्चा थनों को चूंघता है यानी शक करता है तो ये पशु स्टिमुलस यानी पावस जाता है, जिससे पशु के अडर से स्पाइरल कोड से होते हुए एक मैसेज यानी संदेश पशु के दिमाग के पास स्थित पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है। उसके बाद इस ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ये खून के माध्यम से अडर के एल्विलोई तक पहुंचता है। दोस्तों एल्विलोई की मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स में दूध बाइंड होता है तो यह हार्मोन वहां दबाव बनाता है यानी प्रेशर देता है, जिससे दूध वहां से निकलकर नीचे मेमोरी ग्लैंड जिसे मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं वहां पहुंचता है। दोस्तों मेमोरी ग्लैंड की संख्या अलग अलग में अलग अलग पाई जाती है, जैसे गाय भैंस में यह ग्रंथि दो जोड़ी यानी चार होती है जो आगे चार थनों से जुड़ी होती है। आगे के थनों को फोर क्वार्टर और पीछे के थनों को हिंड क्वार्टर कहा जाता है। दोस्तों हिंड क्वार्टर में दूध का लगभग 60% जबकि फोर क्वार्टर में दूध का लगभग 40% स्टोर होता है। इसी प्रकार भेड़ बकरी में केवल एक जोड़ी मेमोरी ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है जो आगे दो थनों से जुड़ी होती है। घोड़ी में भी केवल एक जोड़ी ग्रंथि होती है लेकिन वह आगे दो थनों से जुड़ी होती है और हर एक थन में दो छेद होते हैं जिसमें से दूध निकलता है। दोस्तों ये सभी ग्रंथियां मिलकर पशु के अडर का निर्माण करती हैं। दोस्तों तो इसका मतलब हुआ कि दूध अगर निकालना है तो ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स का सही से रिलीज होना भी जरूरी है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है काफ सकिंग यानी पशु के बच्चे द्वारा चूंघना। इसमें ऑक्सीटोसिन जल्दी व ज्यादा निकलता है। इसके अलावा कई पशु दूध धोने वाली बाल्टी या दूध निकालने वाली मशीन या अपने मालिक के हाथों की मसाज से भी स्टिमुलस यानी पावस जाता है और ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स रिलीज कर देते हैं। दोस्तों तो स्वस्थ पशु में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने में 40 से 50 सेकंड लगते हैं और यह एक मिनट में अपना काम शुरू कर देता है और यह 5 से लेकर 8 मिनट के बाद डिसअपियर यानी इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो 5 से 8 मिनट तक हमें दूध पूरी तरह से निकाल लेना चाहिए। 8 मिनट से ज़्यादा मिल्किंग टाइम लगाने से दूध में कमी आ जाती है। दूध निकालने से पहले थनों को अच्छी तरह से धोना चाहिए व मसाज करनी चाहिए जिससे पशु जल्दी से स्टिमुलस यानी पावस जाता है। दोस्तों फिर पशुओं में टीट्स यानी थनों पर दबाव यानी प्रेशर देकर दूध निकाला जाता है। टीट से दूध निकालने के लिए कई मेथड्स जैसे फुल हैंड नकलिंग स्ट्रिपिंग व मशीन मेथड का यूज किया जाता है, जिस पर ई डेयरी ने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कई बार दोस्तों पशु दूध निकालने से पहले डर जाता है, जिससे पशु में कई प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे कोर्टिजोल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और एड्रेनलिन इत्यादि। ये एंटीऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन के विरुद्ध काम करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन को या तो बनने ही नहीं देते या बनने पर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों दूध को बढ़ाने का काम केवल फीड या फोडर ही नहीं करते बल्कि पशु स्ट्रेस और टेंशन फ्री भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पशु को अच्छी फीड फोडर पानी देने के साथ साथ उसके बाहर के एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा व पशु के लिए कंफर्टेबल यानी सुविधा अनुसार रखेंगे तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और उसके मिल्क प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद।